नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जीके के 2010 से लेकर अब तक पूछे गए 2000 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर यानी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर एक लेकर आ गई हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों गारंटी से कहता हूं अगर आप गुरुकुल एकेडमी पर रोजाना टेस्ट लगाएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी से कहता हूं। डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलेगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का प्रावधान। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों एक बात आपको मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप डेली क्लास में आएंगे, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास को कंप्लीट आप अटेंड करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही दोस्तों मैं प्रत्येक क्लास में करवा रहा हूं। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है आप डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए और क्लास को कंप्लीट लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। तो याद रखना दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, डमकच नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। बताएगा डमकच नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है, झारखंड राज्य का। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक किस शहर में होगी, किस शहर में होगी, मुंबई शहर में होगी 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, किसके माध्यम से ग्रहण करता है, कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कुटपाद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, घाना करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 11 दिसंबर। नेक्स्ट, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया, तो कौन है, देवेंद्र झाझरिया है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैंग्रोव वन में पाए जाते बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट, खिलाड़ी प्रदीप सिंह सिहाग का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी से। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की किस भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है,
तो किस देश में हुई है, किस भाषा को दोस्तों? तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तमिल भाषा। नेक्स्ट है, डंडई धारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, डंडई धारा लोक नृत्य, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैसाखी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वैसाखी त्यौहार का संबंध है दोस्तों पंजाब राज्य से, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाब। नेक्स्ट है, नेस्ले कंपनी की स्थापना कब हुई थी? नेस्ले कंपनी की स्थापना 1972 में हुई, 1972 में हुई, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है? क्या है दोस्तों प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक? यह है ओम मीटर, ओम मीटर, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओम मीटर। नेक्स्ट देखिए फटाफट, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने दो टेस्ट 43 तक बनाए हैं? तो इनमें से किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में 43 तक, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से बताना, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों फुटबॉल से है रोवर्स कप का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अल्पसंख्यक दिवस? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक दिवस, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। नेक्स्ट है, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का मुख्यालय कहां पर है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैसूर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का मुख्यालय, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 बी में, आर्टिकल 243 बी, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लवलीना बोरगोहेन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। लवलीना बोरगोहेन खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है, किस खेल से? मुक्केबाजी से। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहां कमीशन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर कमीशन किया गया? तो ये असम के जोरहाट में कमीशन किया गया, ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कुश्ती में किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? सज्जन सिंह को दिया गया था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कुश्ती में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सज्जन सिंह। नेक्स्ट है, 2021 में कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया दोस्तों? रवि दहिया को दिया गया 2021 में कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे लंबी मोच प्रतियोगिता का मेला कहां पर लगता है? कहां पर लगता है दोस्तों? राजस्थान के भरतपुर में लगता है सबसे लंबी मोच प्रतियोगिता का मेला, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आराम बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? आराम बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये अरबी भाषा से लिया गया है मानसून शब्द। किस भाषा से? अरबी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु राज्य है प्रथम स्थान पर, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे दोस्तों। ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 50-60% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 50-60% होता है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, वी एस नायपोल को इन ए फ्री स्टेट साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार कब दिया गया? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वी एस नायपोल को इन ए फ्री स्टेट साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया 1971 में, 1971 में दिया गया, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1971। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई 1988 में, 1988 में हुई सेबी की स्थापना, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी है? हिंदी भाषा है। अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हिंदी। नेक्स्ट, पाई का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पाई का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाई का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड राज्य का। नेक्स्ट, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता? किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता, दबंग दिल्ली, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो किस राज्य की? नागालैंड राज्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, 1974 में महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहां स्थापित हुआ? तो ये अहमदाबाद में स्थापित हुआ था 1974 में, महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट, 14वीं नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुई? कहाँ हुई आयोजित? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है, मेघालय में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य में अवस्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओडिशा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी? 2019 में मनाई गई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2019। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट,
किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने अनिवार्य कर दिया है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो यह है चौथी अनुसूची में, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चौथी अनुसूची बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, खिलाड़ी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो यह है दोस्तों मुक्केबाजी से। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे जल्दी से। खिलाड़ी मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से। देखिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है सबसे बड़ा द्वीप, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? उमानंदा सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा करता है? अनुच्छेद 16 करता है, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई थी? कहाँ खोली गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई थी, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई कब? 30 जून 1959 को, 30 जून 1959, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सलमान रुश्दी को मिडनाइट्स चिल्ड्रन साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1981 में दिया गया था दोस्तों, 1981 में दिया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 लगातार छक्के मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन था दोस्तों? रवि शास्त्री था, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत बड़े एग्जाम में आता है, कितनी है? 1028 है ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? कौन है दोस्तों? झूलन गोस्वामी है वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वज्री नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? कौन सी है? पश्तून जनजाति है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पश्तून। देखिए नेक्स्ट है, कांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है, किस देश का? श्रीलंका देश का सामान्य नृत्य है दोस्तों कांडियन नृत्य, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये पेप्सिन करता है अमाशय में प्रोटीन का पाचन, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेप्सिन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? कब किया था पारित? तो ये पारित किया 1986 में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1986। नेक्स्ट, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है कब दोस्तों? सभी याद रखना, ये किया जाता है पंजाब राज्य में, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? किसने दिया? M.N. रॉय ने दिया 1934 में, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, बेहल की स्थापना कब हुई थी? बेहल की स्थापना 13 नवंबर 1964 में हुई थी, बेहल की स्थापना, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, कंजर चक्री नृत्य किस राज्य का नृत्य है? कंजर चक्री नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान राज्य का नृत्य है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है दोस्तों? तो ये लाल रंग का होता है, प्रिज्म में सबसे कम विचलन, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया?
तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी 2005 में, संस्कृत भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी संस्कृत, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, जल्दी से आंसर देंगे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं नमक आंदोलन को, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, दांडी मार्च के नाम से, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को दिया गया, किस महिला को दिया गया, संगमित्रा बंदोपाध्याय को दिया गया, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तो यह है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी है जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो ये पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोदा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, बताएगा जल्दी से, कोदा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है राजस्थान राज्य का, कोदा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है च्याप बंग, च्याप बंग, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये दोस्तों किस क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में चुना गया है, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, रज पर्व उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, कौन सी योजना चलाई जा रही है, नई मंजिल योजना चलाई जा रही है, नई मंजिल योजना, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य, 12 सदस्य किए जाते हैं मनोनीत, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईपीएल 2022 में कितनी टीम खेली थी, कितनी टीमें खेली थी आईपीएल 2022 में, 10 टीमें खेली थी, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 2022 में विजेता कौन था, गुजरात टाइटंस, 2023 में विजेता कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रूस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है, तो ये राजघाट में, राजघाट पर दी जाती है श्रद्धांजलि,
ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजघाट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, कहां स्थित है दोस्तों, तो यह है हैदराबाद में, हैदराबाद में स्थित है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय कहां है, भारत में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है दोस्तों, कहां स्थित है, दिल्ली में, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पे किसे नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पहले के जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो तरुण कपूर दोस्तों याद रखना, जितने भी दोस्तों ये नव नियुक्तियां हैं या पुरानी है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था तरुण कपूर को। नेक्स्ट है CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दें, तो याद रखना एल्केन है, ठीक है, CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है, एल्केन का है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत की प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसमें होती है, किसमें होती है, चांदी तांबा लोहा, इन सभी में दोस्तों सबसे अधिक होती है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर हैंडेड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए, गारंटी से कहता हूं अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक दोस्तों क्लास को लगाएंगे, गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा 100%, तो प्लीज आप फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास को ज्वाइन कीजिए, अंत तक क्लास को लीजिए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर हैंडेड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, उन्ती हुड्डा बनी है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उन्ती हुड्डा। नेक्स्ट है कुंभ की नगरी किसे कहा जाता है, नासिक को कहते हैं कुंभ की नगरी, नासिक, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। देखिए नेक्स्ट नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई 1982 में, 1982 में हुई नाबार्ड की स्थापना, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी, किसने दी, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, किसने, महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, महात्मा गांधी बी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा किस राज्य में है, किस राज्य में है हाथी गुम्फा, तो यह है उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है हाथी गुम्फा, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, 29 अगस्त को, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, किन्हें मिला, मैडम क्यूरी को मिला विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें,
पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौन कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों गारंटी से कहता हूं, अगर आप डेली क्लास में आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी से कहता हूं। बस आप डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।